अब देखिए ये जो क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में दे आर सेइंग इफ ए एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल. अगर ए एन को एन सॉरी ए एन को अगर एन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल की तरह लिखा जा सकता है देन समीशन एन फ्रॉम वन टू फिफ्टी ए एन इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये जो समीशन है ये टर्म किसके इक्वल होगी. ठीक है तो अगेन सेम वही प्रोसीजर, पॉज द वीडियो, सॉल्व इट एंड देन कम बैक टू द सॉल्यूशन. ठीक है तो हमारे पास जो गिवन टर्म है वो है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल. ठीक है हमें इस टर्म का सॉल्यूशन निकालना है, दैट इज समीशन एन इज इक्वल टू वन टू फिफ्टी दिस ए एन. तो अगर आप इस ए एन की वैल्यू को लिखेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, समीशन एन इज इक्वल टू वन टू फिफ्टी दिस ए एन की जो वैल्यू है वो हो गया हमारे पास एन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल, एन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल. ठीक है अब देखो अगर ये जो टर्म हमारे पास गिवन है n अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल, इस केस में इस n के साथ इफ आई एड प्लस वन और इफ आई सब्ट्रैक्ट माइनस वन तो उससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा. तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसे समीशन n इज इक्वल टू वन टू फिफ्टी दिस इज n प्लस वन माइनस वन अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल. ठीक है अब टर्म्स को अलग अलग कर लीजिए तो ये हमारे पास बनेगा समीशन n इज इक्वल टू वन टू फिफ्टी तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिस इज n प्लस वन अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल माइनस समीशन n इज इक्वल टू वन टू फिफ्टी दिस इज वन अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल. ठीक है वन अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल. अब फर्दर ये जो टर्म है इसमें से हम n प्लस वन को एलिमिनेट कर सकते हैं. तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये टर्म हमारे पास बनेगी समीशन n इज इक्वल टू वन टू फिफ्टी अब एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टोरियल माइनस समीशन n इज इक्वल टू वन टू फिफ्टी तो ये बन जाएगा हमारे पास वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल. ठीक है इतना समझ आता है, आई थिंक आई होप दिस इज वेरी इजी फॉर यू. अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, दिस एन प्लस वन एंड दिस एन प्लस वन कैन बी कैंसल्ड. तो ये हमारे पास बनेगा समीशन n इज इक्वल टू वन टू 50, दिस इज 1 अपॉन n फैक्टोरियल माइनस ये जो टर्म हमारे पास बनेगी दिस इज समीशन n इज इक्वल टू 1 टू 50, दिस इज 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल. ठीक है अब ये दो टर्म्स हमारे पास है, अगर आप इन टर्म्स को ओपन करेंगे, इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो टर्मलॉजीज हमारे पास क्या बनेगी इस केस में. ठीक है देखिए तो इस केस में टर्मलॉजी हमारे पास बनेगी पुट वैल्यू ऑफ n इज 1 फिर उसकी n की वैल्यू को 2 पुट करो फिर n की वैल्यू को 3 पुट करो तो इस टर्म बनेगी हमारे पास 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल. ठीक है ये किस केस में, व्हेन n इज इक्वल टू 1. ठीक है व्हेन दिस इज व्हेन n इज इक्वल टू 1. ठीक है अब प्लस बिकॉज ये समीशन टर्म्स है हमारे पास प्लस करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल. ये किस केस में, व्हेन n इज इक्वल टू 2 when n is equal to 2. ठीक है प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल. ये टर्म बनेगी when n is equal to 3 प्लस अप टू सो ऑन बिकॉज n की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 50 तक एक्सटेंड हो रही है तो लास्ट टर्म जो बनेगी उसमें हमारे पास n की वैल्यू 50 होगी. तो टर्म बनेगी हमारे पास 1 अपॉन 50 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 51 फैक्टोरियल. सो इट इज 1 अपॉन 50 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 51 फैक्टोरियल. अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो हर एक टर्म के अंदर दिस टर्म इज कैंसल्ड बाय दिस टर्म, दिस टर्म इज कैंसल्ड बाय दिस टर्म विल बी कैंसल्ड बाय अगेन द नेक्स्ट टर्म एंड सो ऑन. तो जो लास्ट टर्म है ये टर्म भी हमारे पास कैंसिल होगी तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास दो ही टर्म बचेगी इधर. तो जो टर्म बचेगी हमारे पास वो बचेगी हमारे पास 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस द लास्ट टर्म इज 1 अपॉन 51 फैक्टोरियल. 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 51 फैक्टोरियल जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 51 फैक्टोरियल. ठीक है अब देखिए जो टर्म है हमारा 1 माइनस 1 अपॉन 51 फैक्टोरियल तो इस टर्म में से हम लोग 51 को वी कैन टेक एलसीएम दैट विल बी 51 इन द डिनोमिनेटर ऊपर आएगा 51 फैक्टोरियल माइनस 1. ठीक है तो अगर आप ऑप्शन से इसे मैच करेंगे तो इट इज़ मैचिंग विद द ऑप्शन नंबर बी विच इज़ 51 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 51 फैक्टोरियल. ठीक है आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं.